अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार ये रिकॉर्ड नहीं होता। सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वाली न्यू वाली वीडियो में मैं आपको मैथ्स की कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। जैसे एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है और बॉडमस के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ आज की इस न्यू वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार बोर्ड मैथ्स, पहले मैं आपको बताता हूँ बोर्ड मैथ्स के बारे में। BODMAS, बोर्ड मैथ्स। बोर्ड मैथ्स का रूल आप यहाँ पे देख लीजिए। द बोर्ड मैथ्स रूल स्टेट्स वी शुड कैलकुलेट द ब्रैकेट फर्स्ट। ये यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ब्रैकेट 2+4 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट, देन द ऑर्डर्स 5 is equal to 25, then any division or multiplication, bracket 3 multiply by 6, the answer of the brackets is equal to 18। तो ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो बोर्ड मैथ्स में जो पहला होता है ना बी का मीन्स है ब्रैकेट फर्स्ट। ब्रैकेट को यानी पहले सॉल्व करना है आपने, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो जो ओ का मतलब होता है ऑफ ऑर्डर। तो फिर जो डी है, डी का मीन्स है डिवीजन। तो डिवीजन आपने करना है, जैसे ब्रैकेट का क्वेश्चन आ गया, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके पास 5 माइनस 6 ब्रैकेट। तो ये ऐसे ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को आपने पहले सॉल्व करना होगा, तो बाद में आपने बाकी करने हैं। तो पहले जैसे मैं आपको बता देता हूँ आ गया, मतलब क्वेश्चन में फिर ब्रैकेट के बाद अगर आता होगा, एक मिनट मैं स्किप करता हूँ थोड़ा सा। तो यार ये जो बोर्ड मैथ्स होता है ना, ये मैंने आपको बता दिया बी ब्रैकेट फर्स्ट ओ ऑफ डी डिवीजन। तो डिवीजन के बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया ब्रैकेट 5 माइनस 6 ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड डिवीजन किधर है यार। अच्छा बस डिवीजन के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करें अभी यहाँ पे, बस मैं समझाने के लिए ये साइन यूज़ कर रहा हूँ। ये है डिवीजन आ गया, डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय 5 6 बाय 6 4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 7। बस ये एग्जांपल ले लो आप। तो आपने पहले क्या करना होगा, ये 5/6 है, ब्रैकेट है, तो यहाँ पे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। 5 माइनस 6 तो हो नहीं सकता। तो एक मिनट मैं आपको, ये जो बोर्ड मैथ्स होता है ना, ये फ्रैक्शंस के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे है अभी 4 बाय 5 ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी यार, स्टार्ट करनी है ब्रैकेट 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला कट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। मैंने पता नहीं यार कुछ गलती भी हो जाती है। तो यहाँ पे 5 ब्रैकेट 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5 है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन तो आप खुद कर लोगे। फिर जैसे मैं आपको पूरा रूल समझाता हूँ बोर्ड मैथ्स का, पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। अगर ब्रैकेट का आंसर आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 था, हाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 6 था, तो 30 आंसर आ रहा है, 30 आंसर आ रहा है। तो अब आपने करना है डिवीजन, डिवीजन जो था आपने फिर वो करना है। तो वो मैं आपको पूरी अलग से एक सीरीज़ बना रहा हूँ इस बोर्ड मैथ्स के बारे में और मैथ्स की ट्रिक्स के बारे में, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो यहाँ पे आपको डिवीजन सॉल्व करना है,
फिर मैंने आपको पूरा पहले समझाया नहीं, एम का मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर ए का एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो ये आपने ऑर्डर के हिसाब से करना है, बोर्ड मैथ्स के रूल के हिसाब से। अगर आपने किसी और तरीके से किया तो आपको पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने पहले क्या करना है, बी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आया 30। 30 पर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन है, डिवीजन डिवाइडेड बाय, जैसे डिवाइडेड, बीच में आपको एलसीएम भी लेना पड़ सकता है, एलसीएम। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा अगली वीडियो में, इस वीडियो में तो नहीं, अगली वीडियो में एक पूरा रूल समझा दूंगा बोर्ड मैथ्स का। अभी मैंने आपको बोर्ड मैथ्स की मीनिंग बताई है और डेफिनेशन भी सब कुछ अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे आपको रूल समझा दिया है, बी फॉर ब्रैकेट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्डर, और फिर डी से डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे अभी मैं यही क्वेश्चन आगे करूँगा, 30 हमारा आंसर आ रहा था। अगली वीडियो में मैं आपको अगला पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूँगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रुको यार एक मिनट ना, जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको 9 के टेबल को सॉल्व करने की, तो वो ट्रिक सुनते जाओ ज़रा। तो यार 9 के टेबल में आपने ये करना है, जैसे पहले 9 है तो आपने पहले करनी है काउंटिंग, बैकवर्ड्स काउंटिंग, जैसे कि 9 9, फिर उसके बाद पहले 9 से शुरू करनी है, फिर आपको 8, फिर ऐसे ही 7, फिर जैसे कि मैंने पूरी की पूरी बैकवर्ड्स काउंटिंग कर ली है। तो यहाँ पे आपने अब फ्रंट, जैसे 0 0 से स्टार्ट करना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और फिर 6, और फिर 7, और फिर यार। तो आपने ऐसे काउंटिंग करनी है, तो ये तो मेरा ऐसे ही होगा, तो लेकिन आपने ऐसे काउंटिंग करनी हो है, और पहले 9 से आपने 0 पे आना है, फिर आपने 0 से 9 पे जाना है। तो ऐसे आपका टेबल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा 9 का। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है और सिंपल ट्रिक है। अगली वीडियो में आपको बोर्ड मैथ्स के साथ साथ 26 का टेबल सॉल्व करने की बहुत इजी ट्रिक लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।